आज गूगल कलरफुल डूडल के जरिए लूसी विल्स के 131वें बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा है। गूगल ने डूडल में लूसी विल्स को लेबोरेटरी में काम करते दिखाया है। लूसी विल्स डॉक्टर थी जो मूल रूप से इंग्लैंड की रहने वाली थी। उनका जन्म 10 मई 1888 को हुआ था। लूसी अंग्रेज हीमेटोलॉजिस्ट हैं। लूसी को गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व एनीमिया से बचाने के उपाय की खोज के लिए जाना जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए फोलिक एसिड की महत्ता को लूसी विल्स ने ही साबित किया था। अब फोलिक एसिड पूरी दुनिया में डॉक्टर्स प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। लूसी विल्स का जन्म 1888 में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई महिला विद्यालय से पूरी की। यह पहला बोर्डिंग स्कूल था जहां महिला स्टूडेंट्स को विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाती थी। 1911 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बोटनी और जियोलॉजी में डिग्री हासिल की। लूसी विल्स भारत भी आ चुकी हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद लूसी भारत दौरे पर थी। साल 1928 में लूसी मुंबई के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं को हो रही गंभीर एनीमिया की जांच के लिए भारत आई थी। उन्होंने देखा कि खराब आहार की वजह से मिल में काम करने वाली महिलाओं को मैक्रोसाइटिक एनीमिया की बीमारी हो रही है। इस बीमारी के चलते महिलाओं को गर्भधारण करने पर उनके शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार सामान्य से काफी ज्यादा हो रहा था। जिसके बाद उन्होंने इस बीमारी से बचने के लिए शोध शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट चूहों और बंदरों पर किया। एनीमिया रोकने के लिए खाने में खमीर का प्रयोग किया, जहां उन्हें नेगेटिव परिणाम मिले। खाने में मिलाए खमीर एक्सट्रैक्ट को बाद में फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। उनके इस एक्सपेरिमेंट को विल्स फैक्टर कहा जाता है। आज ये दवाई कई बीमारियों के इलाज के लिए काम में लाई जाती है। फॉलिक एसिड आज गर्भवती महिलाओं के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है।